बाजार में इन दिनों बहार है और अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेशकों का खूब पैसा भी बन रहा है। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां लिस्टेड हैं। अडानी पोर्ट्स को छोड़ दें तो सभी कंपनियों ने 2022 में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इनलिस्टेड कंपनियों में अडानी की एक कंपनी ऐसी भी है जिसमें अगर किसी ने दाव लगाया होगा तो उस निवेशक का पोर्टफोलियो की पावर 3 गुना बढ़ गई होगी। हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की। इस साल अडानी पावर में निवेशकों का पैसा 3 गुना कर दिया है। मंगलवार को अडानी पावर का शेयर 5% बढ़कर 414 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 6 महीने में ही अडानी पावर का शेयर 236% चढ़ा है। इस साल जनवरी से अब तक इस शेयर ने 309% रिटर्न दिया है। 1 साल में 320% और 5 साल में 1167% का रिटर्न दिया है। यानी जिसने अडानी पावर में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया होगा उसको फायदा भी उतना ही ज्यादा मिला होगा। इसलिए बाजार के जानकार किसी भी शेयर में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने की सलाह हमेशा देते हैं। अब आपको आसान भाषा में यानी आसान शब्दों में हम समझाते हैं, अगर किसी निवेशक ने अडानी पावर में 1,00,000 रुपए लगाए होते तो आज कितनी रकम होती। मान लीजिए 6 महीने पहले अगर किसी ने अडानी पावर में 1,00,000 रुपए का निवेश किया होगा तो आज वो तकरीबन 3,36,000 रुपए हो जाते। किसी ने 1 जनवरी को 1,00,000 रुपए का निवेश किया होगा तो आज 4,09,000 रुपए हो जाते। वहीं अगर किसी ने 1 साल पहले 1,00,000 रुपए का निवेश किया होगा तो आज 4,20,000 रुपए होते। वहीं अगर किसी ने 5 साल पहले 1,00,000 रुपए का निवेश अडानी पावर में किया होगा तो आज तकरीबन 12,68,000 रुपए होंगे उस इंसान की जेब में। बता दें 22 अगस्त को अडानी पावर का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। उस वक्त अडानी ने डीबी पावर को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया था। 6 से 8 महीने में मल्टीबैगर साबित होने वाले कम ही स्टॉक अपने शायद देखे हों, लेकिन अडानी पावर ऐसा ही एक तुरुफ का इक्का निकला है। अडानी पावर देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। कंपनी 12,450 मेगावाट थर्मल पावर पैदा करती है। कंपनी के थर्मल पावर प्लांट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा कंपनी एक 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट गुजरात में चला रही है। तो ये हुई कंपनी के कारोबार की बात। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसका शेयर इतना क्यों दौड़ रहा है। तो बात यह है कि कंपनी का कारोबारी परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। इसी महीने आए अडानी पावर के तिमाही नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं और आप ये आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे। 30 जून 2022 को खत्म हुई तिमाही में अडानी पावर का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 1,619% बढ़कर 4,780 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 1 साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 278 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। गुजरी तिमाही में अडानी पावर की इनकम बढ़कर 15,509 करोड़ रुपए हो गई, जो कि 1 साल पहले इसी अवधि में 7,231.21 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इसी महीने खबर आई कि मुश्किल में फंसी लैंको अमरकांटक पावर को खरीदने के लिए अडानी पावर ने बोली लगाई है। लैंको छत्तीसगढ़ के कोरबा पंचा स्टेट हाईवे पर एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट चला रही है। कुल मिलाकर अडानी पावर बाकी ग्रुप कंपनियों की तर्ज पर ही एक के बाद एक पावर कंपनियों की खरीदारी में लगी है। देश की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर होने का फायदा कंपनी को मिल रहा है। पिछले कुछ वक्त में मिले जबरदस्त रिटर्न, बढ़िया तिमाही नतीजे और पावर प्लांट्स की खरीदारी के चलते निवेशक इस अडानी पावर पर बुलिश बने हुए हैं। निवेशकों को लग रहा है कि बीते दौर की तरह ये शेयर आगे भी उन्हें मालामाल करेगा। लेकिन पावर सेक्टर के जोखिम, बड़े पैमाने पर कर्ज जैसे फैक्टर इस शेयर के लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में बतौर निवेशक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करने का कोई फैसला करिएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें बिजनेस तक के साथ।